राधा अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ था। राधा रानी को श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और भक्ति प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं और भक्ति कीर्तन के माध्यम से राधा जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं और भक्ति संगीत गाया जाता है। राधा को भक्ति देवी के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्मोत्सव प्रेम भक्ति और समर्पण के आदर्श के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भजन कीर्तन के माध्यम से उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह दिन भक्तों को प्रेम त्याग और ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का संदेश देता है। राधा रानी के जीवन और श्री कृष्ण के साथ उनकी दिव्य प्रेम की कथाएँ सुनने से इस दिन विशेष फल प्राप्त होता है। राधा सर्वेश्वरो विजयते। आप सभी लोगों को बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद 15 दिन बाद राधाष्टमी होती है। राधाष्टमी में विश्व को चलाने वाली श्री राधा रानी महारानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा जन्मोत्सव भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है और इस बार भाद्र शुक्ल अष्टमी 11 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। तो आप सभी लोग बड़े भक्ति भाव से श्री राधा जन्मोत्सव का प्रकटोत्सव का महोत्सव मनाएं। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।